सो माई वार्म ग्रीटिंग्स टू द पीपल जो अपने कीमती वक्त में से जरा से लम्हे निकाल के मुझे सुन रहे हैं. आई एम सिमरन यासीन, अ पोइट एंड अ पब्लिश्ड ऑथर. वेल, इफ यू टॉक अबाउट राइटिंग, तो आई फील राइटिंग एक प्रोफेशन नहीं है, नॉट फॉर मी एटलीस्ट. इट्स अ पैशन, अ ड्रीम, कुछ ऐसा जिसे मुझे खुशी मिलती है, समथिंग विच आई रियली अडोर. आई राइट डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री, I write articles, I have done some anthologies too and much more. For me, writing is something jo mujhe refresh karti hai, something that works like a therapy. Insaan chahe khush ho, gham mein ho, or we might be stressed sometimes. Jaise ki hum is baat se bakhabar hai ki log aajkal mental issues se deal kar rahe hain, and rather than finding a solution, they choose to end their life. सुसाइड एक आसान सी चीज़ लगने लगती है. इन दीज हार्ड टाइम्स आई थिंक इंसान को एक ऐसा जरिया ढूंढना चाहिए जिससे उसका दिमाग मसरूफ रहे और मन शांत रहे. फॉर मी राइटिंग हैज़ डन द जॉब. आई फील वेरी फ्री एंड काम व्हेन आई जॉट माई फीलिंग्स डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो हेयर इन दिस वीडियो मैं आपके साथ अपनी लिखी हुई कुछ लाइन्स शेयर करना चाहूँगी. होप यू गाइज एन्जॉय. आते जाते हर मंदिर में, हर मस्जिद में मांगा है तुझे कि तेरी चाह में हर दर पर सर झुका बैठे. हर सजदे में, हर दुआ में, हर मन्नत में मांगा है तुझे कि तेरे इश्क में हर मजहब आजमा बैठे. हाँ दुनिया भूल बैठे, हम अपना ईमान भूल बैठे, उस खुदा से भी छीन लेंगे तुझे कि तेरी मोहब्बत में हम होश गवा बैठे. थैंक यू.